नमस्कार सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, मून्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी कच्चे आम की सब्जी। कच्चे आम की सब्जी बनाने के लिए हमें लगा पंचफोरन। पंचफोरन तो आप जानते होंगे, राई, मेथी, जीरा और सौंफ है, थोड़ा सा एक ठुलाल सूखी मिर्च को मैंने तोड़ लिया है, थोड़ी सी नमक डालूंगी 100 ग्राम में, एक पाव है तो 100 ग्राम में इसमें डालूंगी गुड़, और दूसरा मैं डालूंगी ये मसाले, हींग, ये हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर। टोटल मैं इसकी कच्चे आम की सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। आम को छील के मैं काट लूंगी छोटे छोटे लंबे लंबे टुकड़े में, और फिर इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची, जैसा सब्जी बनाते हैं सेम उसी स्टाइल में आम की सब्जी में बनाऊंगी। ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, और तबीयत ख़राब हो तो आप इसको बनाइए और मतलब खाइए तो दो रोटी आपको ज़्यादा खिलाएगी। ये आम की सब्जी ऐसी बनती है, तो उम्मीद है कि आप इसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आम को मैं छील लेती हूँ, छीलने के बाद मैं इसको काट लेती हूँ, काट के और तेल में ही हमें इसको आम को सेकना है, सेकना मतलब भूनना है, भून के और मैं फिर इसको बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं बनाना शुरू करती, छील लूँ, छीलने के बाद काट के फिर आपको दिखा। देखिए दोस्तों, हमने आम को इतने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब इसमें हम पंचफोरन कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई में हम डालेंगे तेल और उसमें मैं पंचफोरन मसाला डालूंगी, उसमें राई, जीरा, मेथी और सौंफ ये सब है, और एक मैं मिर्ची को तोड़ के रखी हूँ, लाल मिर्च को सूखी, उसको मैं डालूंगी। और इसमें मैं पूरी सब्जी बनाऊंगी तो गरम मसाला भी डालूंगी, धनिया पाउडर भी डालूंगी और गरम मसाला भी डालूंगी, हल्दी पाउडर भी डालूंगी, तेज लाल मिर्च भी डालूंगी और वो वाला मिर्च भी डालूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूंगी, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। और मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ, अब इसमें मैं तेल डाल के इसको गर्म कर लूँ, फिर इसमें बघार डालूंगी। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और तेल को अच्छे से हम धुआं उठते तक गर्म करेंगे, और उसके बाद हम सारा बघार डाल के और हींग भी हमें इसमें डालना है। टोटल ये हमारी सब्जी ही बनेगी। देखिए दोस्तों, तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया, अब मैं पंचफोरन मसाला को डाल दी और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग डाल दी, थोड़ा सा था तो डाल देती हूँ, और इसमें मैं आम डाल दी। आम को डाल के धीमे आँच पे हमें भून, आम को हमने भूनना शुरू कर दिया है। आम अच्छे से भून जाएगा तब इसमें मैं हल्दी, धनिया, मिर्ची, लाल मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के और नमक डालूंगी, और नमक में से काला नमक भी डालना है, सफ़ेद नमक भी, जीरा पाउडर भी डालना है। तो चलिए इसमें मैं डालते टाइम फिर आपको दिखाती। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, मिर्च, धनिया पाउडर, पूरा हमें इसकी सब्जी ही बनानी है, और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, नमक कम हो तो और डाल दीजिए, नमक टू द टेस्ट होगा। और इसको थोड़ा सा चला के भून के और अब पानी डाल के इसको हम पकने देंगे। थोड़ी सी इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, पर ये थोड़ा पक जाए तब, अब पानी मैं एक गिलास भर के डाल दूंगी। एक गिलास पानी हमने डाल दिया इसमें, थोड़ा सा अब मैं कश्मीरी लाल मिर्च, इसी समय हमें इसमें गुड़ डालना है, गुड़ को तोड़ लूंगी, तोड़ के और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून डाली मैं, ये तीखा नहीं होता है पर टेस्ट में अच्छा लगता है। अब इसमें हमें डालना है काला नमक, सफ़ेद नमक तो हमने डाल लिया है, और जीरा का, भुने जीरे का पाउडर, और थोड़ी सी काली मिर्च जो कि टू द टेस्ट होगा वो हमें डालना है। तो चलिए वो भी हम लेके आप डाल। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें थोड़ी सी 1 चुटकी काली मिर्च डाली हूँ, और ये भुने जीरे का पाउडर है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं काला नमक, और थोड़ा सा चाट मसाला 1/4 चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं, और पकने के बाद इसको हम थोड़ा पकने देंगे। पकने के बाद हम
थोड़ा सा इसमें रस रखेंगे और फिर उतार देंगे। देखिए इसका कलर कितना सुंदर आ गया है। अब पकने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। आप इसमें गुड़ की जगह शक्कर भी डाल सकते हैं। मैं शक्कर इसलिए नहीं डाली कि शक्कर ज़्यादा वो हो जाएगा तो शक्कर नुकसान भी करता है ज़्यादा, तो मैं गुड़ का मीठा ये बना रही हूँ। आप शक्कर से भी इसको बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। अभी मैंने टेस्ट किया है, इसमें हर चीज़ परफेक्ट है, कोई चीज़ को हमें नहीं डालना दोबारा। बस इसको मैं अब डिश आउट करूँगी। डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे आम की सब्ज़ी कैसी बनी है। दोस्तों मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। अब मैं इसको बंद कर दी हूँ गैस को, अब डिश आउट करती हूँ। देखिए दोस्तों मेरे आम की इतनी डिलीशियस सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, बहुत टेस्टी बहुत अच्छी बनी है। इसको देख के मुंह में पानी आ जाएगा। और इसको बनाने के बाद मैं आपको दावा करती हूँ कि आप इसमें 4 रोटी ज़्यादा खाएंगे और पेट भर खाना खाएंगे और मुझे फिर आप याद करेंगे। उम्मीद है इसे आप ज़रूर बनाइए खाइए। और मून्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करें। हाँ, अरे हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसी नई नई डिश मेरी आपको देखने को मिलती रहे। मैं बोलती नहीं थी ज़्यादा कि बेल आइकॉन को दबाइए, पर आज मैं बोल रही हूँ कि बेल आइकॉन को दबाइए और लाइक का बटन ज़रूर आप दबाना। यदि देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मून्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी कच्चे आम की सब्ज़ी। कच्चे आम की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें लगा पंचफोरन। पंचफोरन तो आप जानते होंगे, राई, मेथी, जीरा और सौंफ है, थोड़ा सा एक लाल सूखी मिर्च को मैंने तोड़ लिया है, थोड़ी सी नमक डालूंगी 100 ग्राम, मैं एक पाव है तो 100 ग्राम मैं इसमें डालूंगी गुड़, और दूसरा मैं डालूंगी ये मसाले, हींग, ये हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर। टोटल मैं इसकी कच्चे आम की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। आम को छील के मैं काट लूँगी छोटे छोटे लंबे टुकड़े में, और फिर इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची, जैसा सब्ज़ी बनाते हैं सेम उसी स्टाइल में आम की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और तबीयत ख़राब हो तो आप इसको बनाइए और मतलब खाइए तो ये 2 रोटी आपको ज़्यादा खिलाएगी। ये आम की सब्ज़ी ऐसी बनती है, तो उम्मीद है कि आप इसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों आम को मैं छील लेती हूँ, छीलने के बाद मैं इसको काट लेती हूँ। काट के और तेल में ही हमें इसको आम को सेकना है, सेकना मतलब भूनना है, भून के और मैं फिर इसको बनाऊँगी। तो चलिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ, छील लूँ, छीलने के बाद काट के फिर आपको दिखा। देखिए दोस्तों हमने आम को इतने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब इसमें हम पंचफोरन कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई में हम डालेंगे तेल और उसमें मैं पंचफोरन मसाला डालूंगी। उसमें राई, जीरा, मेथी और सौंफ ये सब है, और एक मैं मिर्ची को तोड़ के रखी हूँ, लाल मिर्च को सूखी, उसको मैं डालूंगी। और इसमें मैं पूरी सब्जी बनाऊंगी तो गरम मसाला भी डालूंगी, धनिया पाउडर भी डालूंगी और गरम मसाला भी डालूंगी, हल्दी पाउडर भी डालूंगी, तेज लाल मिर्च भी डालूंगी और वो वाला मिर्च भी डालूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूंगी ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। और मैं कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ। अब इसमें मैं तेल डाल के इसको गर्म कर लूँ, फिर इसमें बघार डालूंगी। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और तेल को अच्छे से हम धुआं उठते तक गरम करेंगे। और उसके बाद हम सारा बघार डाल के और हींग भी हमें इसमें डालना है। टोटल ये हमारी सब्जी ही बनेगी। देखिए दोस्तों तेल हमारा अच्छा गरम हो गया। अब मैं पंचफोरन मसाला को डाल दी और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग डाल दी, थोड़ा सा था तो डाल देती हूँ। और इसमें मैं आम डाल दी, आम को डाल के धीमी आँच पे हमें आम को हमने भूनना शुरू कर दिया है। आम अच्छे से भून जाएगा तब इसमें मैं हल्दी, धनिया, मिर्ची, लाल मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के और नमक डालूंगी। और नमक में से काला नमक भी डालना है, सफ़ेद नमक भी, और जीरा पाउडर भी डालना है। तो चलिए इसमें मैं डालते टाइम फिर आपको दिखा। देखिए दोस्तों अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, मिर्च, धनिया पाउडर, पूरा हमें इसकी सब्जी ही बनानी है, और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, नमक कम हो तो और डाल दीजिए,
नमक टू द टेस्ट होगा। और इसको थोड़ा सा चला के भूंज के और अब पानी डाल के इसको हम पकने देंगे। थोड़ी सी इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, पर ये थोड़ा पक जाए तब। अब पानी में एक गिलास भर के डाल दूंगी। एक गिलास पानी हमने डाल दिया इसमें, थोड़ा सा अब मैं कश्मीरी लाल मिर्च। इसी समय हमें इसमें गुड़ डालना है। गुड़ को तोड़ लूंगी, तोड़ के और कश्मीरी लाल मिर्च एक टीस्पून डाली मैं। ये तीखा नहीं होता है पर टेस्ट में अच्छा लगता है। अब इसमें हमें डालना है काला नमक, सफ़ेद नमक तो हमने डाल लिया है, और जीरा का, भुने जीरे का पाउडर, और थोड़ी सी काली मिर्च जो कि टू द टेस्ट होगा वो हमें डालना है। तो चलिए वो भी हम लेके आप डाल। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें थोड़ी सी एक चुटकी काली मिर्च डाली हूँ, और ये भुने जीरे का पाउडर है हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून हम डाल रहे हैं काला नमक, और थोड़ा सा चाट मसाला एक चौथाई चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं। और पकने के बाद इसको हम थोड़ा पकने देंगे। पकने के बाद हम थोड़ा सा इसमें रस रखेंगे और फिर उतार देंगे। देखिए इसका कलर कितना सुंदर आ गया है। और पकने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। आप इसमें गुड़ की जगह शक्कर भी डाल सकते हैं। मैं शक्कर इसलिए नहीं डाली कि शक्कर ज़्यादा वो हो जाएगा, तो शक्कर नुकसान भी करता है ज़्यादा, तो मैं गुड़ का मीठा ये बना रही हूँ। आप शक्कर से भी इसको बना सकते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। अभी मैंने टेस्ट किया है, इसमें हर चीज़ परफेक्ट है, कोई चीज़ को हमें नहीं डालना दोबारा। बस इसको मैं अब डिश आउट करूँगी। डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे आम की सब्ज़ी कैसी बनी है। दोस्तों मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। अब मैं इसको बंद कर दी हूँ गैस को, अब डिश आउट करती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे आम की इतनी डिलीशियस सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी है। इसको देख के मुंह में पानी आ जाएगा। और इसको बनाने के बाद मैं आपको दावा करती हूँ कि आप इसमें चार रोटी ज़्यादा खाएंगे और पेट भर खाना खाएंगे, और मुझे फिर आप याद करेंगे। उम्मीद है इसे आप ज़रूर बनाइए, खाइए। और मून्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करें। हाँ, और यहाँ बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी नई नई रेसिपी मेरी आपको देखने को मिलती रहे। मैं बोलती नहीं थी ज़्यादा कि बेल आइकॉन को दबाइए, पर आज मैं बोल रही हूँ कि बेल आइकॉन को दबाइए और लाइक का बटन ज़रूर आप दबाना। यदि देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।